From how to converting given string into equivalent uppercase characters. For example, अगर आपका कोई भी string available है, like a string है जो A, B, C, B, C कैसे इसके इसमें small letters, एक ऐसा uppercase, some special symbol है at the rate और some digits are 1, 2, 3. तो आपका string इस type का कोई भी string available है, तो string के characters को convert किस form में करना into equivalent अपरकेस लेटर प्लस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएट करना यूजर डिफाइंड फंक्शंस सारे के सारे ऑपरेशंस प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस मींस सी लैंग्वेज के अंदर सेम ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन अवेलेबल है टू अपर इसके अंदर सप्लाई किया था जस्ट रिक्वायर्ड स्ट्रिंग दिस इज द लाइब्रेरी फंक्शन मींस सेम इक्विवेलेंट लाइब्रेरी फंक्शन के इक्विवेलेंट यूजर डिफाइंड फंक्शंस जस्ट इंप्लीमेंट करना है क्लियर देन फर्स्ट इस केस में अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग के केस में डायरेक्टली सारे कैरेक्टर आपके लिए अपर केस में कन्वर्ट करना पॉसिबल क्या नहीं जस्ट फॉर एग्जांपल ए की बात करें तो ए ऑलरेडी कैसा है ऑलरेडी इन अपर केस तो ए के लिए कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कराओ नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है बी बी किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ लोअर केस लेटर देन बी को कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट अपर केस सेम एज सी ऑलरेडी लोअर केस है देन इसको कन्वर्ट किस में करोगे अपर केस एट द रेट के लिए कोई कोड ही नहीं है देन इसके लिए डायरेक्टली रिमेन्स सेम सेम है डिजिट्स के रिस्पेक्ट में आपको कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत है क्या नहीं डिजिट्स कैसे रहेंगे रिमेन्स सेम लाइक दैट मीन्स आपको कन्वर्जन लॉजिक्स ओनली किसके लिए प्रोवाइड करना ओनली फॉर लोअर केस अल्फाबेट्स तो इसके स्ट्रिंग के केस में जो भी कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स प्रोसेस किस फॉर्म में होंगे एज अ एस ऑफ आई मीन्स एस ऑफ आई के केस में फर्स्ट टाइम आई का इंडेक्स क्या रहेगा जीरो देन ये सेम ऑपरेशन अप्लाई किसके लिए होंगे फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा वन तो नेक्स्ट टाइम ऑपरेशंस किसके लिए परफॉर्म होंगे नेक्स्ट कैरेक्टर सेम एज एंड सो ऑन प्लस ये ऑपरेशंस कब तक परफॉर्म करना जब तक ये एस ऑफ आई का वैल्यू नल के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता तो फाइनली इस केस में कंडीशंस क्या अप्लाई करेंगे लूप के अंदर व्हाइल एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल और नॉट इक्वल्स टू जीरो क्लियर नेक्स्ट वन इस केस में एस ऑफ आई के लिए कोई भी ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म न करा के सबसे पहले आप चेक क्या करोगे इससे अगर गिवन कैरेक्टर और एस ऑफ आई का करंट वैल्यू अगर लोअर केस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करा है लोअर केस अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर देन ओनली आपको कन्वर्जन परफॉर्म करनी नीड अदरवाइज नो नीड देन लोअर केस को चेक करने के लिए अगर आपको चेक करना चेक द गिवन कैरेक्टर लोअर केस अल्फाबेट और नॉट तो टेस्ट कैसे करोगे कैरेक्टर सी एच अगर सी एच का आस्की वैल्यू स्मॉल ए से बड़ा है एंड सी एच का आस्की वैल्यू स्मॉल जेड से छोटा है देन उसके इसमें परफॉर्म क्या करा हुए दैट कन्वर्जन इसके इसमें अप्लाई क्या करेंगे सम इफ कंडीशन ये इफ कंडीशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे अप्लाई किस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ लूप लूप के थ्रू जस्ट स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे प्रोसेस करेंगे वन बाई वन क्लियर वन मोर थिंग्स स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर सी एच से रिप्रेजेंट हो रहा है एस ऑफ आई से एस ऑफ आई तो सी एच के प्लेस इस पर जस्ट रिप्लेस क्या कराएंगे एस ऑफ आई लाइक दैट क्लियर नेक्स्ट वन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्मॉल कैरेक्टर है लाइक ए बी सी अप टू जेड व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए 97 आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल बी 98 99 एंड 122 लेकिन इसको कन्वर्ट किस फॉर्म करो लोअर केस में तो लोअर केस मीन्स क्या कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल जेड इस केस में ए की आस्की वैल्यू बात करें तो आस्की वैल्यू का 65, 66, 67 एंड 90 अगर स्मॉल ए के केस में बात करें स्मॉल ए या कैपिटल ए इस केस में डिफरेंस कितने का है 97 माइनस 32 सॉरी 97 माइनस आस्की वैल्यू 97 जस्ट सब्ट्रैक्शन किससे कराएंगे 32 से डिफरेंस क्या है इस केस में 65 मीन से स्मॉल लेटर को ऑलवेज सब्ट्रैक्ट किससे कराओगे 32 से क्यों सभी लोअर और अपर केस के आस्की वैल्यूज के केस में डिफरेंस कितने का एग्जैक्टली 32 फिर फाइनल इस केस में ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा देना परफॉर्म क्या करा एस ऑफ आई इक्वल्स टू करंट वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई रिप्रेजेंट क्या करेगा ये कंडीशन टू है लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने के जस्ट यूज क्या करो माइनस 32 इस टाइप के कैरेक्टर ऑपरेशन मैंने प्रोवाइड किए थे ड्यूरिंग ऑपरेटर्स और ड्यूरिंग इफ एल्स क्लियर दिस इज द लॉजिक्स फॉर कन्वर्टिंग देन इस लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जस्ट यूज करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन सिमिलर फंक्शन क्रिएट करा मैं एज अ टू अपर ऑलरेडी लाइब्रेरी फंक्शन है इसका इक्विवेलेंट फंक्शन क्रिएट करा एज अ अपर और सिंपली टू अपर
इस अपर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज करो, रिटर्न क्या करा हुआ सेम स्ट्रिंग, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करो कैर स्टार। आर्गुमेंट टाइप की बात करें तो आर्गुमेंट में क्या पास करो ऑल्सो स्ट्रिंग, इसलिए यूज क्या करेंगे कैर स्टार पी, कैर स्टार एस और कैर स्टार ए, एनीथिंग। नेक्स्ट वन, लूप्स को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो इटरेटिव वेरिएबल आई। लूप स्टार्ट कहाँ से करा हुआ है, इसे एरे के अंदर इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ फ्रॉम जीरो, देन कंडीशन क्या है जस्ट व्हाइल एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, और सिंपली राइट डाउन कर सकते हैं एस ऑफ आई, मीन्स एस ऑफ आई रिप्रेजेंट क्या करेगा आइदर नल और नॉट नल, नल के केस में मीन्स नल का आस्क के लिए रिप्लेस हो जाएगा जीरो, देन कंडीशन अल्टीमेटली फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज रिमेनिंग केसेस में कंडीशन कैसा होगा ऑलवेज ट्रू, देन इस केस में इंडेक्सेस में इंक्रीमेंट कितने से करा हुआ ऑलवेज वन से। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद आपके लिए डायरेक्टली चेंजेस करना पॉसिबल है नॉट पॉसिबल, क्यों हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर अपर केस भी अवेलेबल हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है डिजिट्स, इसलिए कंडीशन के अप्लाई करो गिवन इफ कंडीशंस, मीन्स पहले कंडीशन अप्लाई करो देन ओनली चेंजेस करना पॉसिबल है, मीन्स इफ एस ऑफ आई जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा करेंट कैरेक्टर, अगर एस ऑफ आई का वैल्यू ए के आस्की वैल्यू से बड़ा है एंड जेड के आस्की वैल्यू से छोटा है स्मॉल जेड, देन एक कंडीशन आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है करेंट वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई इज लोअर केस अल्फाबेट्स, अगर लोअर केस अल्फाबेट है देन आप जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे रिक्वायर्ड चेंजेस और कन्वर्जन, कन्वर्जन के लिए लॉजिक से अप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक किया इस केस में, पॉइंटर का नेम यूज करो एज एस, एस ऑफ आई इक्वल्स टू एस ऑफ आई माइनस 32, देन क्लोजिंग दिस लूप। फाइनली इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ सेम स्ट्रिंग जो कि आपने एज ए आर्गुमेंट सप्लाई किया है, देन क्लोज इट, क्लियर। दिस इज द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू लोअर केस फंक्शंस, सॉरी टू अपर केस फंक्शन, सेम है जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा टू लोअर केस, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट डिफरेंस कितने का हुआ अगेन 32 का, लेकिन उस केस में माइनस के प्लेस पर क्या जाएगा प्लस, कंडीशन में स्मॉल ए के प्लेस पर क्या जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल जेड के प्लेस पर क्या जाएगा कैपिटल जेड, देन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ मेन फंक्शन वॉइड मेन, और मेन के केस में कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट किया आप स्ट्रिंग कीबोर्ड से रीड कर सकते हो और डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल है, एस ऑफ आई इक्वल्स टू सम स्ट्रिंग एज ए बी सी एट द रेट एक्स 1 2 लाइक दैट, इस टाइप से कोई स्ट्रिंग अवेलेबल इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट कॉल क्या कर लेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन एज अपर एंड प्रिंट एफ, या बी को भी मैं यूज कर रहा हूँ एज ए कैपिटल बी, जिसे सारे केस टेस्ट करना पॉसिबल, प्रिंट एफ परसेंट एस, इस केस में स्ट्रिंग में फंक्शन कौन सा कॉल करा हुआ है यूजर डिफाइंड फंक्शन एज अपर एस, एस के प्लेस पर मैंने सप्लाई किया एस प्लस वन, तो एस प्लस वन किसका एड्रेस है ए का या बी का, बी का, तो ऑपरेशन किस प्लेस से स्टार्ट होंगे फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स, मीन्स ए के लिए कोई चेंज हुआ क्या नहीं, अगर ए इस केस में स्मॉल केस है तब भी कोई चेंजेस परफॉर्म, मीन्स जो भी आप एड्रेस पास करोगे वो ऑपरेशन केवल उसी प्लेस से स्टार्ट होंगे, या सिंपली मैं यूज कर रहा हूँ इस केस में एज एस, देन अगेन आप डिस्प्ले कराना चाहते हो ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट एप, फिर से यूज क्या करें अगेन परसेंट एस क्लोजिंग देन सिंपली एस, मीन्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए कोई भी स्ट्रिंग इक्वलेंट अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ सकता, प्लस ये फंक्शन आपके लिए किसी भी केस में करेगा ऑल सिचुएशंस, क्लियर। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपर केस फंक्शन, जस्ट नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा लोअर केस कन्वर्जन।